ये फिल्म पूरे पाकिस्तान में 13th of May 2016, तो ये फिल्म पूरे पाकिस्तान में रिलीज होने के लिए जा रही है। आज है 11 तारीख, 12 और 13, इसका मतलब है कि एक दिन के बाद। तो मैं आप सबसे यही कहूँगी कि आप प्लीज़ आप एक दफ़ा जाएं और इस फिल्म को देखें। आपको फिल्म देखकर आपको खुशी होगी। सस्पेंस फिल्म है, थ्रिलर है, इसका कंटेंट जो है वो बहुत स्ट्रांग है, कहानी बहुत अच्छी है, उम्दा है। इसके अलावा एक्टिंग ओरिएंटेड प्रोजेक्ट है, एक्टिंग है, आपको जो नए स्पेशली आने वालों के लिए कुछ उनको सीखने का मौका मिलेगा। और कहानी नहीं है, काशिका अपनी एक ऐसी बहन से मिलती है जिसने कभी जन्म नहीं लिया। फिल्म के अंदर सस्पेंस है और ए के अंदर सारी कहानी है। फिल्म की स्पेलिंग है HOTEL होता है होटल के, इस फिल्म की स्पेलिंग है HOTAL। तो उस ए के अंदर पूरी कहानी है और आपको वो पता चलना चाहिए कि ए के अंदर एक्चुअली कहानी है क्या। लेकिन जब एक इंटेलिजेंट सिनेमा है और आई थिंक एक इंटेलिजेंट सिनेमा को एक इंटेलिजेंट कौम ही समझ सकती है, और हम सब के हमारी कौम बहुत इंटेलिजेंट है। पाकिस्तान के लोग के बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो चुकी है, हम बहुत ज़्यादा ज़हीन हो चुके हैं। इसलिए आप इस फिल्म को ज़रूर देखें और अपने व्यूज़ जो हैं वो आप हमारे साथ शेयर करें। हमारे इस वक्त मेरे सोच बहुत ही मेरे प्यारे जर्नलिस्ट जो मेरे सामने, आपका नाम क्या? फरहान खान, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इंटरव्यू किया। फरहान, आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। फरहान, आपका बहुत शुक्रिया कि आप, मैं समझती हूँ कि फरहान आप क्रिटिक्स बनकर और इस फिल्म को जज ज़रूर कीजिएगा और फिल्म बीनों तक एक सही राय और एक सही सिनेमा का इंतखाब करने पर फिल्म बीनों को ज़रूर मजबूर कीजिएगा ताकि वो एक सही इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में दाखिल हों और एक सही इंटरटेनमेंट सिनेमा देखें। तो दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंदर आपको अवार्ड भी मिला। आपका नाम क्या था? फरहान, पूरा नाम फरहान खान साहब। तो इसके फेस्टिवल के अंदर जो अवार्ड मिला, इसका क्या एक्सपीरियंस था, किस तरीके से रिकग्निशन मिली पाकिस्तान के हवाले से आपका जो नाम? फरहान खान साहब इंडिया में मैंने पहले भी प्रदर्शन की, सोनी आलिया की जो मम्मी है, सोनी राजदान, वो उस पर मेरी फिल्म की डायरेक्टर थी। उस वक्त आलिया बहुत थोड़ी सी छोटी थी। और इसके अलावा मैंने इंडिया में काम करके मुझे उन फिल्म का तो अवार्ड नहीं मिला। हाँ, मुझे इस फिल्म में, हालांकि ये बजट में थोड़ी सी इसका कम बजट था, लेकिन ये है कि इस फिल्म में कहानी इसकी थोड़ी सी मुख्तलिफ है। कहानी इसकी ओरिजिनल, एक आप कहते हैं कि डेवलप आइडिया वो होता है जो असली हो, बेटा भी और बेटी वो होती है जो असली बेटी हो। तो इसकी कहानी जो है वो बिल्कुल बहुत यूनिक है, नई कहानी है, सस्पेंस है, थ्रिलर है और ऑडियंस के लिए बहुत कुछ नया है, एंटरटेनमेंट है, गाने हैं, म्यूजिक है। मोमबत्ती दी लो विच अज तेनू प्यार करन नू जी करदा, जासमीन उनका गाना है और फरहान खान साहब आपके लिए कुछ नया है देखने के लिए। अच्छा, इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं खालिद हसन खान साहब, ही इज ग्रेजुएट फ्रॉम न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी। सो इनके साथ एक्सपीरियंस किस तरह रहा? मैं ये नहीं कहता कि आपने पहले जो डायरेक्टर के साथ काम किया, लेकिन ये एक डिफरेंट है क्योंकि वो एक प्रोफेशनली ट्रेंड डायरेक्टर है। तो ये एक्सपीरियंस हमने खालिद हसन साहब का, उनका टैलेंट तो यहीं से आप देखें, उन्होंने पहली फिल्म में ही बेस्ट फिल्म का अवार्ड ले लिया, पहली फिल्म में वो भी हिंदुस्तान में उन्होंने अवार्ड ले लिया और बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला। फिर उनकी एक्ट्रेस को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। फिर उनके डबिंग के जो डायलॉग्स थे, हिंदी के डायलॉग्स, उनको सुभाष जी और वहाँ के बड़े डायरेक्टर्स ने उनकी तारीफ, फिल्म की तारीफ हुई, कहानी की तारीफ हुई, बहुत सारे डायरेक्टर्स के फोन आए, कहानी किसकी है, हमें डायरेक्टर से मिलना है। इसलिए मेरे ख्याल में उन्होंने पहली फिल्म में उन्होंने अपना जाहिर कर दिया, उन्होंने प्रूव कर दिया कि वो एक अच्छे, उनका जहन अच्छा है, उनकी सोच अच्छी है, वो अच्छा काम कर सकते हैं और मजीद फ्यूचर में और मुस्तकबिल में वो इससे बेहतर काम करेंगे। अच्छा, माय लास्ट क्वेश्चन इस, पाकिस्तान के अंदर नई फिल्में बन रही हैं, नए लोग इस फिल्म इंडस्ट्री के अंदर आ रहे हैं और लोगों की, देखने वालों की तादाद भी बढ़ती जा रही है जो पाकिस्तानी फिल्मों को अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो ख़ासतौर पर न्यू जो पाकिस्तानी डायरेक्टर्स एक्टर्स इस इंडस्ट्री के अंदर आ रहे हैं, उनको क्या मैसेज आता है? मैसेज ये, देखिए, फिल्म बहुत अच्छी बात है, फिल्म बन रही हैं, नए लोग, उनको बहुत अच्छी बात है और
रहा है, बहुत खुशी की बात है। लेकिन ये है कि एक्सपेरिमेंटल फिल्म इंडस्ट्री जो है वो मेरी नज़र में ये एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म इंडस्ट्री अभी इम्प्रूवमेंट चाहिए और बहुत अच्छी बात है फिल्म्स बन रही हैं और एक्सपेरिमेंटल फिल्म इंडस्ट्री के अंदर इन्हीं में से कुछ फिल्में होंगी जो बहुत बेहतर फिल्में बनेंगी और कुछ फिल्में जो हैं जो कुछ जो हैं वो नहीं अच्छी फिल्म, लेकिन इस तरह इम्प्रूवमेंट हो। लास्ट में कोई मैसेज अपने व्यूवर्स को देना चाहें खास तौर पे फिल्म के हवाले से? फिल्म के हवाले से व्यूवर्स को, फिल्म वीरों को, क्या आप लोगों ने हमेशा मुझे अपनी दुआओं में याद रखा, आपने मुझे बहुत प्यार दिया और मैं आज जो कुछ भी हूँ पाकिस्तान की वजह से हूँ, मैं जो कुछ भी हूँ मीडिया की बदौलत और अपने फिल्म वीरों की वजह से, आपके अपने फैंस की वजह से, पूरी दुनिया में जो मेरे फैंस हैं जो मुझे देखते हैं और मेरा जो मुकाम है जो सिर्फ आपकी वजह से, और मैं आज जो कुछ भी हूँ आप सबकी वजह से और आपकी, आपने हमेशा प्यार दिया है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अब भी फरहान खान साहब आप भी और आप सब मुझे अपनी दुआओं में और अपने अपनी मोहब्बतों में मुझे याद रखेंगे और मेरी फिल्म्स को और मेरे प्रोजेक्ट्स को आप सपोर्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू, बहुत शुक्रिया फरहान साहब।